कृष्ण जी सा बखत हो, ओ बखत काट लेना चाहिए, चाहे सुख कटो चाहे दुख। और जो समय के अनुसार नहीं चलेगा वो आदमी तंग पाओगा। और कैसे समझा, प्रमाण दे के समझा। समय से बड़ी कोई चीज नहीं बताई लोगों, बखत बेराना किस दौरे के करवा दे, प्रमाण दे के बताया है दादा ने। कैसे सारे मन से ने भई दुख सुख सेना सही बताया। देवताओं ने भी राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी मान्या। उस सत्यवादी ने ऐसा क्या कर दिया था, कालिया बंगी के सूरा का पानी भरना पड़ा। किसने भरवाया, वो बखत ने क्या कहा। भला पांडु बताते हैं उनसे शक्तिशाली नहीं था कोई, भीम जैसे शक्तिशाली बताते हाथियां गए, सूंड पकड़ पकड़ भगा दिए महाभारत, गोटा मार के पानी काट दिया करता,
अर्जुन जैसे तीर नहीं। जब वह ताकत की जारी थी, जब उनकी वीरबानी भरी सभा में नंगी नचवा दी। समय ऐसा काम करता है, पांचों भाई टम्मक टम्मक देखे गए। क्या कहा दादा ने, गीता की नीम जचाई दी। उनकी पट्टी जान समय ने उल्टी डोर खेचाई दी। वह गदा कूण में धरी रही जब नंगी बहु नचाई दी। और गदा कूण में धरी रही जब नंगी बहु नचाई दी। इर सब ते ठाठा समय बताया, और सब ते ठाठा समय बताया। ना इस ते फेना चाहिए, मौके अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। तमने सिकंदर का नाम पढ़ा नहीं तो सुना होगा। सिकंदर महान यूनान का था। 12 साल के का बाप मार दिया था। 8 साल तई जो राज गद्दी के रास्ते में आऊं थे उनका कत्ल करया। 20 साल का राज गद्दी पे बैठा और उस लड़के ने, उसके गुरु अरस्तु ने ऐसी शिक्षा दी के विश्व को जीते उस आदमी ने। और 32 साल का उम्र भी लिया था, हमारे देश तक भी आया था। इतना बलवान जो पूरे संसार को जिसने जीत लिया, समुद्र पर भी टैक्स ला दिया। ये मुसलमान भाई जब मुर्दे को दफनाते हैं, जब कब्र में उसके मुंह में 1 रुपया दिया करें, उस समय वो रुपया चांदी का होया करता। सारे संसार की कब्र खुदवा के वो रुपये भी काट लिए, ऐसा आदमी था। और मरने से पहले उस आदमी ने शिलालेख दबवाए, अगर शिलालेख दबवा दो कोई 1000-2000 साल पछे कट अगर देखेगा, उसने ज्ञान हो जाएगा। कि ज्ञान हो जाएगा, क्या लिखा था कि इस संसार से जब आदमी जाता है, यहां से सुई भी नहीं ले जा सकता। और जब मैं मरूं, मेरे अर्थी से, मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर काट दियो, ताकि लोग देख लें कि सिकंदर खाली हाथ गया है, क्या मैं लेकर नहीं गया इतनी बड़ी मार काट करने के बाद भी। और दूसरा उदाहरण दिया रावण का, रे जिसके बेमाता पीछना करती हो, काल जिसने कुएं में लटका रखा हो, 33 करोड़ देवता कैद में इंद्र महाराज छड़का करता हो, मौत का वरदान जिस आदमी को मिला होया हो, अंबर में पड़ी ला रखी हो, उससे ताकतवर कौन हो सकता है? कोई नहीं। दादा ने बोला, उससे ताकतवर वक्त होता भाई, समय। समय ने, वक्त ने ऐसा पलटा मारा, मेरे साले की बंदरा दो रखाल तरवा दी। क्या कहा, काल कुएं में
लटके था उनकी गिट्टी गोटी से, लेख के तरीके लेख समय की लात जिन्हें गोटी से, लेख देख पता चले या समय नहीं छोटी से, लेख देख के पता चले या समय नहीं छोटी से। ओए ऋषि मुनि भी मान गए, ओ ऋषि मुनि भी मान गए, मारा भी नैना चाहिए और अब कवि का परिचय बताता हूं। पंडित जी झज्जर जिले के थे, बपणिया गांव, और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवदयाल के ड्राइवर थे, और 2.5 साल भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के ड्राइवर रहे, और ताउमर बिड़ला के ड्राइवर रहे। लेकिन असली ब्राह्मण था कर्मकंडी, किता हाथ नहीं फलाया, धोखा नहीं करया, ना तो इतनी बड़ी जानकारी होने के बाद देरा ना कित लालच आज आदमी के लाग जा कर, पर धर्म पर जब मेरा लोग ने बोले दादा आज की सा बखत से, बोले आज ही सा बखत से भाई, किसे ताई के मैं कहनी नहीं चाहिए, ना तो उल्टा पड़ेगा। क्या कहा भला, रोटा हो से एक समय में प्यारा पिछड़े मरम लोटा हो से, देवी ददियो जगत भला पर आपा खोटा हो से, देवी ददियो जगत भला पर आपा खोटा हो से। अरे आज काल ईसा भक्त किसे ते, भाई कुछ ना कहना चाहिए, कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, समय बड़ा